नमस्कार, हम इस समय गंगा के बिल्कुल तट पर बैठे हुए हैं, ऋषिकेश में। ऋषिकेश एक ऐसी भूमि है जहाँ पर अनगिनत तपस्वी, सिद्ध संत, महात्मा अपने आप को छुपा करके यहाँ साधना करते हैं। और ये गंगा का एक तरह से जो सबसे शुद्ध रूप है ना, जहाँ प्रदूषण का सबसे सबसे कम प्रभाव है, वो स्थल है गंगा का। जैसे गंगा का जल बहता हुआ ना, ऐसे हमारी जिंदगी भी बह रही है। हम लोग टिक जाते हैं, रुक जाते हैं, और हमारी हालत कैसी होती है, जैसे टिके हुए जल में आप देखते हैं ना, उस जल का स्वरूप कुछ दिनों बाद बिगड़ा हुआ नजर आता है। ऐसे ही यदि हमारी जिंदगी प्रवाहमान हो ना, जैसे गंगा जी प्रवाहित है, एक ने एक दिन हमको हमारी मंजिल मिल जाएगी, हमें हमारा स्वरूप मिल जाएगा। संसार के अंदर न जाने क्या क्या हम ढूंढ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमको मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी जो सुकून है ना, जो सुख है, जो शांति है, वो शांति का अनुभव ऐसे अनगिनत लोग हैं जो हासिल नहीं कर पाए। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं अपनी भावनाओं को आप सबके समक्ष रख सकूं। बस गंगा को निहारिए। राम 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 राम। अभी हिमाचल नहीं पहुंचे हैं, ऋषिकेश में है। हो राम 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 राम। तो हम अपने एकांत में जा रहे हैं, आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद।